करेंगे यूपी में बारिश को लेकर के जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर। यूपी में मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब लेकर आई है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अगले कुछ दिन भारी बारिश का अलर्ट भी है। आकाशीय बिजली को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश और नेपाल से आने वाले पानी से बाढ़ आई है। बाढ़ की चपेट में सैकड़ों गांव आए हैं और जनजीवन जो है वो प्रभावित नजर आ रहा है। जो आम जिंदगी है लोगों की, रोजमर्रा का जो जीवन है, वो कहीं ना कहीं इसमें अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोगों को तमाम समस्याएं हो रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, आज सीएम योगी का श्रावस्ती दौरा। सुबह 11:55 पर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और वहां पर उनकी समस्याओं से मुखातिब होते हुए नजर आएंगे। बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित करेंगे और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। तो देखिए, इससे पहले लखीमपुर खीरी पीलीभीत पहुंचे हुए थे और आज श्रावस्ती का दौरा रहने वाला है। प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से धरातल पर स्थिति है। बलरामपुर से हमारे साथ चंद्रिका मिश्रा, इसके अलावा गोरखपुर से हमारे साथ जेबी सिंह और बाराबंकी से हमारे साथ अजय बने हुए। सबसे पहले मैं रुख जेबी आपका करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से अगर कहा जाए, जो स्थिति उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई है, बारिश लगातार जारी है और उस बीच बाढ़ का जो खतरा है तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। पीलीभीत की बात करें या बात करें लखीमपुर खीरी की, और फिलहाल तो आज जो जानकारी मिल कि मुख्यमंत्री भी श्रावस्ती जाएंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए, जब भी बाढ़ का मौसम आता है और ये जो है, जब पूर्वांचल का ये जो क्षेत्र है जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, जब भी पहाड़ों पर बरसात होती है, उस बरसात को लेकर के पूर्वांचल का ये श्रावस्ती हो, गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, बलरामपुर, ये जो तराई के जिले हैं वो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। और इस चीज को लेकर के, बाढ़ पीड़ितों को लेकर के मुख्यमंत्री हमेशा संजीदगी से नजर आते हैं। आप देख लीजिए, पिछले कई सालों का ये रिकॉर्ड रहा है, जब भी बाढ़ की चपेट में यहाँ के लोग आए हैं तो मुख्यमंत्री ने कदम कदम पर उनका साथ निभाया। बाढ़ से राहत देने के लिए तमाम तरह की कवायदें शुरू की। आज मुख्यमंत्री का श्रावस्ती दौरा है। यहाँ गोरखपुर की बात करें, आपको बता दें कि गोरखपुर में जो पहाड़ों से निकल करके रोहिन नदी आती है, रोहिन आकर के यहाँ पे आपके राप्ती में मिलती है, तो राप्ती का जलस्तर भी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे यहाँ के जो भी और देखिए, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है, हमारे साथ चंद्रिका मिश्रा बलरामपुर से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बलरामपुर में क्या स्थिति है वो हमें बताएंगे। चंद्रिका, देखिए, जिस तरीके से जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है वो कहीं ना कहीं बेहद संवेदनशील है और हर साल हुबहू इसी तरीके से तस्वीर आती है, ये अपने आप में कड़ा सवाल खड़े करती है कि आखिर समय रहते इनको लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें मजबूत क्यों नहीं किया जाता? आपको बता दें, बाढ़ की आपदा आती है बलरामपुर जिले में, जब राप्ती का तांडव मचाता है और बलरामपुर जिले में बाढ़ की स्थिति आती है, तब अधिकारी यहाँ जगते हैं, क्योंकि अभी तक ये कुंभकर्णी नींद टूटे हैं, क्योंकि हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर जाते हैं बाढ़ की आपदा के लिए, लेकिन लोगों तक राहत सामग्रियां भी नहीं पहुंच रही है। हर साल बंधे बांधे जाते हैं करोड़ों रुपए की लागत से, लेकिन आखिर ऐसा टेम्परेरी बंधा क्यों बांधा जाता है जो बरसात पहली ही बरसात में टूट जाती है और गांव तक पानी भर जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं खाने के लिए। चंद्रिका, देखिए, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे, मैं चाहूंगी अगर हो पाए, अगर संभव हो पाए तो तस्वीरें भी दिखाइएगा कि किस तरीके से हालात बलरामपुर में है। बिल्कुल, मैं हमारे जस्ट पीछे आप जिस तरीके से देख सकते हैं, मैं इस समय जिस जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज भ्रमण है, कार्यक्रम है, ये वही गांव है, सुनार गांव है, मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कमर बराबर पानी चल रहा है इस गांव में अभी भी, और लोग आते जाते हैं, इसी एक स्टीमर भी यहाँ पे नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित हो गया, उसके बाद में यहाँ पे अधिकारियों का दौरा शुरू हो गया और स्टीमर भी आना शुरू हो गया, क्योंकि अभी तक चार दिन से यहाँ तक कुछ था ही नहीं। अब बात करें बलरामपुर जिले का, ललिया देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, त्रिपुरा, बरदौलिया, भरसैया, हर्रैया और कई ऐसे जगह है जहाँ पे बाढ़। बिल्कुल चंद्रिका, आएंगे आपके पास वापस हमारे साथ अजय भी बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए, जो जल प्रलय की तस्वीर हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो अपने आप में बेहद संवेदनशील है। बाराबंकी की बात करें, वहां पर हालात कैसे हैं और फिलहाल आपदा से बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बता दें, बाराबंकी में जो तहसील, तीन तहसीलें हैं, इसमें
काफी बाढ़ रहती है। तो अब जो नेपाल से 8,000 क्यूसेस पानी छोड़ा गया, उससे कुछ पानी को छोड़े जाने से बाराबंकी में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें प्रलय आ गया है। लेकिन अगर हम बात करें प्रशासन की, तो अभी न कोई नाव है, न कोई स्टीमर है, न कोई ऐसी सुविधा मुहैया कराई गई है कि जो बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत का कार्य बन सके। लेकिन जहां एक तरफ बात करें तो बाढ़ पीड़ित जो है वो अपने जो पानी पड़ने लगा है उनके घरों में घुस गया है, तो अपने परिवार के साथ जानवरों के साथ बंद में पलायन कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप सभी ने हमें जानकारी दी कि किस तरीके से